हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है। आज है 17 अक्टूबर और आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है LGBTQ राइट्स को लेकर के। तो सभी प्रे करें कि जो भी जजमेंट आए वो हमारे फेवर में हो। वी आर क्वेयर आज फिर से एक नई कहानी लेकर के आया है। और हाँ, हम आज पूरब की स्टोरी नहीं लाए हैं। किसी वजह से पूरब की स्टोरी का सेकंड पार्ट दुर्गा अष्टमी के दिन आएगी। खैर, आज हम जो स्टोरी लेकर के आए हैं वो हमें आप में से ही किसी ने भेजी है, जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। अगर आप नए हैं और हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी नई नई गेल अप स्टोरी सुनते रहने के लिए। तो चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं, जो हमें मध्य प्रदेश के हबीबगंज से प्रखर सिंह ने भेजी है, जो कि उनके जिंदगी की सच्ची कहानी है, वो आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम प्रखर की कहानी मेरी यानी के नीले की जुबानी सुनते हैं। हाय एवरीवन, आई एम प्रखर फ्रॉम हबीबगंज मध्य प्रदेश। मैं अभी 23 साल का हूँ और मैं अपने पापा, मम्मी और एक बड़ी दीदी और छोटी बहन के साथ एक सघन मोहल्ले में रहते हैं। हमारी काफी इज्जत है मोहल्ले में। मैं घर का अकेला बेटा हूँ और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। अगर अभी तक की हम बात करें तो मेरी माँ हमेशा से मेरी शादी के सपने देखती आई है। हमारा किराने का शॉप है और शॉप के ठीक ऊपर हमारा घर है। पापा जब शॉप पर नहीं होते तो अक्सर मैं नीचे जाकर बैठकर उनके बिहाफ में काम में हाथ बढ़ाता हूँ, उनकी जगह ले लेता हूँ। घर वालों के हिसाब से मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और अच्छी है, पर मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ जब मेरे साथ वो हुआ जो शायद नहीं होना था। जिस वक्त मैं नादान था और मुझे बहुत सी चीजें पता नहीं थी और मैं गड़बड़ियों पे गड़बड़ी करता गया, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। मेरी जिंदगी में अब तक सिर्फ धोखे हुए हैं। मैं आपको अभी की कहानी बताने से पहले ये सब शुरू कैसे हुआ वो बताना चाहता हूँ। तो बात तब की है जब मैं काफी छोटा था, वही लगभग 13-14 साल का। मेरे शॉप पर एक अंकल काम किया करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी पर वो देखने में बहुत ज्यादा काले और तगड़े थे। मैं उन्हें भालू अंकल कहता था क्योंकि उनके पूरे शरीर पर बाल थे। जो बिहार से थे और वो अपनी वाइफ से दूर यहाँ हबीबगंज में किराए के मकान पर रहते थे और पापा ने उन्हें काम पर रखा था। भालू अंकल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अक्सर लुंगी में रहते थे, पर उनका हिसाब किताब अच्छा था। एक लुंगी और बनियान के साथ उनका पूरा हफ्ता बीत जाता था, कपड़े तक नहीं बदलते थे। पर हाँ, बहुत मेहनती थे। ट्रक से जो भी सामान आता हमारे शॉप पर वो अकेले ही शॉप में उठा उठा कर रख देते थे। शक्ल का तो नहीं पता लेकिन उनके शरीर बहुत ही फिट थी, नसें दिखा करती थी पूरी बॉडी की। कोई जिम जाकर के जैसी बॉडी बनाता वैसी तो भालू अंकल की पहले से ही थी। काम कर करके हाथ उनका काफी कठोर हो चुका था। मैं अक्सर उनकी लुंगी खींचने की कोशिश करता था, मस्ती करने की कोशिश करता था। उन दिनों में काफी शैतान था और शैतानी करता था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था पर मैं उनके अलावा कभी किसी को ऐसे लुंगी में नहीं देखा था, तो मेरे लिए एक तरीके से वो मस्ती ही हुआ करता था। पापा तो हमेशा पजामा और बनियान पहनते थे बट भालू अंकल को हमेशा मैं लुंगी में ही देखता था। मेरे लुंगी खींचने पर वो कई बार डर जाते थे और कहते थे कि मम्मी से शिकायत करूं, तब मैं भाग जाता था और फिर से वही शैतानी दोहराता था। अब मैं उनके सेठ जी का लड़का था तो वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। मेरे लिए ये सब एक सिर्फ मजाक था, पर मुझे क्या ही पता था कि इस नादानी की मुझे आगे चल के बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब एक दिन जब कोई भी नहीं था नीचे शॉप पर, तो भालू अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छोड़ा नहीं। असल में उन दिनों मैं कुछ ज्यादा ही बदमाशी करता था। वो कहते रहे कि अब करो बदमाशी। मैं जब रोने लगा तब उसने मुझे छोड़ा और अब मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहने लगा।
पर वो मौका देखकर मेरा हाथ फिर पकड़ लेते थे। मैं अब जो उन्हें परेशान करता था, अब वो मुझे खुद ही डराने लगे थे। मैं खुद डर जाता था, उनसे दूर ही रहता था कि पता नहीं कब पकड़ लें। अब उनकी हाथ इतनी स्ट्रांग थी कि जब भी वो पकड़ते तो मुझे तकलीफ होती थी। मैं उनके नज़दीक नहीं जाता था, पर मम्मी उन्हें चाय देने के लिए अक्सर मुझे उनके पास भेज देती थी। वो मुझे कई बार चूमने की कोशिश करते और जब मैं भागने लगता वो मुस्कुरा देते। मुझे ये सब तो बस मजाक ही लगता था। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा, पर मुझे सब कुछ अच्छे से आज भी याद है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उन दिनों हबीबगंज के कई घरों और दुकानों में चोरियां हो रही थी। तब पापा ने भालू अंकल से कह दिया था कि वो रात को शॉप में ही रुक जाया करें और वहीं सो जाया करें। भालू अंकल के लिए पापा ने नीचे शॉप में ही सोने का सारा इंतज़ाम कर दिया था और वो अंकल वहीं सोते थे। तभी मेरे घर पर अचानक मेहमान भी आ गए। मेरे मामा जबलपुर के पास के एक गाँव में रहते हैं। मामा को नानी के आँख के मोतियाबिंद का भोपाल के किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना था। तब मामा के साथ उनका बेटा हेमंत भी आया साथ में। हेमंत मुझे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था और वो हॉकी प्लेयर था। मैंने हेमंत को हमेशा उसके नाम से ही बुलाया था, मेरे मुंह से उसके लिए कभी भैया नहीं निकला। पर सच बताऊं तो हेमंत काफ़ी बुरा लड़का था, वो आपको आगे कहानी में पता चल भी जाएगा। क्योंकि जब मामा मामी और मेरी मम्मी नानी को डॉक्टर के पास लेकर के गए उसी दिन जिस दिन वो आए, तो मैं हेमंत के साथ अकेला घर पे ठहरा। दीदी कॉलेज गई हुई थी और नीचे शॉप पर सिर्फ पापा और भालू अंकल थे। हेमंत और मैं टीवी देख रहे थे। तब हेमंत हमारी गली के किसी ठेले से चुपके से जा करके सिगरेट खरीद लाया और उसके पास मामी का मोबाइल फोन भी था। मैं जब टीवी पर कार्टून देखने लगा, हेमंत सिगरेट निकालता है और मुझे जलाने के लिए कहता है। मैंने कहा कि पापा को पता चलेगा तो बहुत मार पड़ेगी। हेमंत ने बोला कि हमारे यहाँ 13 से छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं, तू तो अब जवान हो रहा है, बड़ा हो गया तू, एक बार मार के देख, बहुत मज़ा आएगा। मैंने बोला सिगरेट पीना बुरी बात है। फिर हेमंत ने कहा कि एक बार ट्राई तो कर, कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। तब मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत जिद कर रहा था, क्या ही जाएगा। मैंने दरवाज़ा धक्का दे दिया पर वो लॉक नहीं किया मैंने उसे और झट से आकर मैं बैठ गया। मैंने बोला दो दो। उसने कहा कि धुआं अंदर मत लेना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा दरवाजे पे नजर रखना। उसने कहा कि हाँ कोई नहीं आएगा। और जब मैंने जोर से खींचा, पूरा धुआं मेरी छाती पर गई और मैं घबरा गया। मैं खांसने लगा, मुझे एक जलन सी हुई, एक गर्माहट सी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ ऐसा पी लिया हो जो कि मुझे अंदर से गर्म कर रहा है। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा एहसास भी हुआ कि मैं दोबारा कभी ना पीऊँ। लेकिन जब मैं खांसने लगा तो हेमंत ने बहुत प्यार से मेरा पीठ सहलाया और मुझे बोला कि कुछ नहीं, पहली बार में ऐसा होता है। मैं डर गया था कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर मेरे सर में हल्की हल्की एक होता है ना घूमना, सर घूमने लगा, चकराने लगा। मैं ये भी डर रहा था कि दीदी कॉलेज से न लौट आए और ऊपर रूम में धुआं था तो वो जान भी सकती थी। मैंने फटाफट खिड़कियां खोल दी कि ऊपर से धुआं निकल जाए। मैंने दिमाग लगाया था, काफ़ी छोटा था पर दिमाग तो मेरा चलता था। मैं डर के मारे पंखा चालू कर दिया कि धुआं चला जाए, पर मेरा सर सिगरेट पीने के बाद चकरा ही रहा था। पापा कभी भी शॉप से ऊपर नहीं आते थे तो मुझे पता था कि पापा तो नहीं आने वाले हैं। और नीचे क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर आया रहता था तो भालू अंकल भी ऊपर नहीं आते, तो मैं बेफिक्र हो गया था। ये तो मैं जानता था कि कोई नहीं आने वाला, लेकिन डर तो लग ही रहा था। मैंने तुरंत पानी पी लिया स्मोकिंग करने के बाद। अब जैसे ही मैं पानी पीकर बैठा, हेमंत की खुरापाती रुकी ही नहीं। उसने मोबाइल से कुछ वीडियो सर्च किया और मुझे अपने पास बिठाया और बोला आ तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। और फिर उसने खुद भी देखा और मुझे भी दिखाया और ये मेरा पहली बार था जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी थी जो वो दिखा रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक अलग सा हार्मोन जनरेट होने लगा। उसके बाद हेमंत ने अपने कपड़े उतार कर
बाथरूम में लटका दिए और फिर वो मेरे सामने ही गलत चीज़ें करने लगा। मैं उसे देखता रहा। पहली बार मैंने ऐसे किसी को देखा था, उसके शरीर पर बाल भी थे। मुझसे पूछा कि पहले कभी ऐसा वीडियो देखा है? मैंने कहा कि नहीं, और फिर उसने मुझे बताया कि जवान लड़के क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वो मुझे सिखा रहा था और बताया कि इसके बाद होता क्या है, क्या निकलता है। मैंने कहा, हेमंत मेरे सामने ये सब मत करो, ये गलत है। उसने बोला कि तू बच्चा है क्या, बड़ा हो रहा है, ये सब बात मम्मी से कहना देना, तभी बड़े ऐसा करते हैं। वो मुझे समझाने लगा कि मैं ये बातें किसी को बताऊं ना। वो बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था, बल्कि उसे देख करके तो मैं घबरा रहा था। उसने मुझे भी करने के लिए कहा। मैंने देखा कि हम दोनों के साइज में बहुत अंतर था और उसके बाल भी थे। उस दिन मैंने पहली बार ऐसा किया था, उसके कहने पर मैंने सारा कुछ किया। अब पता नहीं, ये उम्र ही ऐसी थी कि बस कोई भी बहक सकता था। हेमंत ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था, पर मैं उसके उस पार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। मुझे देखने में मज़ा आ रहा था, मेरा मन भी कर रहा था कि मैं छूं। मेरा मन करने लगा कि मैं पकड़ूं, पर फिर हेमंत ने बताया कि कैसे आगे पीछे क्या करते हैं सब कुछ। और फिर वो बाथरूम में उसने दिखाया कि ऐसा तुम्हारा भी निकलेगा। उसने निकाल के कुछ दिखाया, कुछ तरल सा। मैं तो बस उसे देखता रहा। बहुत अजीब सा फील हो रहा था, काफ़ी अलग सा, लेकिन मज़ा आ रहा था। और ये पहली बार था कि मुझे हेमंत की वजह से पुरुषों की तरफ आकर्षण हुआ था। और तब मेरे अंदर की इच्छा भी थी कि मैं भी हेमंत की तरह करूं। और मैं बाथरूम जा कर के कोशिश भी किया, पर कुछ निकला नहीं। मैं थक गया। मैंने उसे आके बताया कि मेरा तो नहीं निकला। सच बताऊं तो भले निकला कुछ नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ था। मुझे बहुत मज़ा आया था, और ऐसा मज़ा जो शायद किसी को उस वक्त समझा नहीं सकता था, पर पता चल गया था कि मज़ा तो है। मैं भी नहाकर कपड़े पहन लेता हूँ। मेरे मन में हेमंत के लिए एक ही सवाल था कि ये कितना कुछ जानता है, और मैं कुछ भी नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी, तब मैंने फ्रिज से मालपुआ निकाला और खाने लगा, हेमंत को भी दिया, और फिर हम बैठे रहे। फिर हेमंत ने पूछा कि तुझे स्मोकिंग करके कैसा लगा? तब मैंने उसे कहा कि उल्टी आ रही थी मुझे, अब मैं बता नहीं सकता, मैं तो दोबारा कभी नहीं पीऊँगा। उसने बोला कि मुझे तो फिर से तलब हो रही है। मैंने बोला, पागल है क्या, अब दोबारा नहीं। हेमंत ने कहा कि एक बार में मज़ा नहीं आता, आजा फिर से पीते हैं। तब मैंने उसे मना किया कि मैं नहीं पीऊँगा, पर वो नहीं माना, और फिर मुझे एक बार फिर से खींचने के लिए बोला। और तभी दरवाजे के बजने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि कोई आ रहा है। मैंने सिगरेट नीचे फेंक दिया, क्योंकि मेरे हाथ में था सिगरेट। मैं डर गया था, पर काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि भालू अंकल थे। उन्होंने हम दोनों को ही देख लिया था, पकड़ लिया था, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऊपर आता तो वो जान ही जाता कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं स्मेल से। मैं डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। अंकल बोले कि मैं नीचे जाकर अभी सेठ जी को सब हरकतें बताता हूँ। असल में भालू अंकल कोई सामान लेने आए थे और फिर हम पकड़े गए थे। हेमंत भैया ने अंकल से कहा कि मत बताओ वरना बहुत मार पड़ेगी हमें। तब भालू अंकल बहुत पास आ गए और कहा कि ये बुरी आदतें हैं, और हेमंत से बहुत बहस की उन्होंने। हेमंत चुपचाप सुनता भी रहा, और मुझे अंकल ने कहा कि सुधर जाओ। मुझे लगा कि मैं आज पापा से बहुत पिटने वाला हूँ, बहुत मार खाऊंगा, क्योंकि भालू अंकल नीचे जाकर के पापा को सब कुछ बता ही देंगे। मेरे आंख में आंसू आ गए थे, मैं रोने रोने जैसा हो रहा था। मैं हेमंत पर भड़क गया और बोला कि वो पक्का पापा को बता देगा, सब तुम्हारी गलती है। हेमंत बोला कि तूने भी तो पी थी, क्या मेरी अकेली गलती है? अगर मेरे पे आया तो मैं तेरा नाम लगाऊंगा। मैं तब मम्मी के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, और मैं डरा हुआ था कि अगर पापा ने फटकार लगाई तो कहीं का नहीं रहूंगा, बहुत बदनामी होगी, मम्मी भी मारेंगी, हेमंत मुझे ना फंसा दे। ऊपर से आज गंदी फिल्म भी देखी थी कि उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर ना लगा दे। मैं डर गया था। मैं कमरे में ही था और फिर मुझे उस फिल्म का असर तो था ही, तो मैंने सोच सोच कर फिर से करने लगा, पर इस बार भी कुछ भी नहीं निकला। पर इससे एक चीज़ तो हो रहा था कि मेरा डर चला गया था। जब मैं वो सब कर रहा था तो मुझे घबराहट नहीं हो रही थी कि पापा को भालू अंकल सब कुछ बता देंगे। मुझे बहुत मज़ा आया था।
थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। मैं डर गया था कि पापा मुझे पीटने तो नहीं आए। मैं डरता हुआ दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने दीदी थी। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है, और मम्मी और मामा मम्मी लोग कब तक आएंगे, हॉस्पिटल से अब तक नहीं आए क्या? मैंने दीदी से कहा कि शाम हो जाएगी उनको, मम्मी को शॉपिंग भी करनी है तो देरी होगी उन्हें। दीदी ने कहा कि कमरे से बाहर जा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मैं जैसे ही बाहर आया, हेमंत सोफे पर लेटा हुआ था और मोबाइल में कुछ देखकर हंस रहा था। मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था उसे बात करने का, लेकिन मोबाइल उसके पास था तो मन होता था कि पास जाऊं और वही फिल्म देखूं या कुछ देखूं उसके मोबाइल में। मेरा मन हेमंत के साथ मिलकर दोबारा वही सब करने का था जो कुछ देर पहले हमने किया था, पर मैं डरा हुआ था जो तमाशा आज हुआ था उस बात से। मुझे लगा कि दीदी को भी ना बात पता चल जाए। मैं चुप ही था। अब मैं सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करके देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। मैं सो गया और नींद तब खुली जब काफी शाम हो चुकी थी, रात होने को आई थी। उस वक्त जब नानी, मामा, मामी और मामी के साथ मेरी छोटी सिस्टर भोपाल से हॉस्पिटल से लौट आई थी। आज हेमंत के साथ एक ही दिन बिताने पर इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। इतना कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला था, वरना जब मैं अकेले रहता था तो मैं बोर हो जाया करता था। और मुझे अब भी डर लग रहा था कि पापा ऊपर आकर मुझे पीटने न लगे। मैं मान ही नहीं सकता था कि भालू अंकल मेरी शिकायत ना किए हों, पर ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने नहीं किया था शिकायत, पता नहीं क्यों। अब पर रात को पापा मेरे पास आते हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं, और थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया। भालू अंकल भी खाना खाए हम सबके साथ ऊपर आकर, और वो नीचे जा करके लेट गए। भालू अंकल एक बड़े से तखत पर सोते थे जिसमें कई लोग सो सकते थे, और मेहमान आए होने की वजह से मुझे पापा ने नीचे भालू अंकल के साथ सोने के लिए कहा, और साथ में भालू अंकल के हेमंत को भी सोने के लिए कहा। मैंने जिद की कि मैं नीचे नहीं सोऊंगा, मुझे नहीं जाना है नीचे, नीचे मच्छर है, मैं बहाने बनाने लगा। पर पापा ने गुस्से से कहा कि अब तू बच्चा नहीं है, मैं और तुम्हारे मामा कमरे में साथ सोएंगे, मेहमान आए, एडजस्ट करना सीखना होता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था नीचे जाने का, पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। पापा ने कहा कि अब बड़े हो गए हो। मैं जब नीचे गया तब भालू अंकल सो गए थे और उन्होंने पहले ही बिस्तर लगा दिया था। पापा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि बच्चे नीचे सोएंगे। नीचे सिर्फ टॉयलेट रूम की लाइट ऑन थी, पूरा शॉप अंधेरा था। हेमंत भी नीचे मेरे साथ आया, पर भालू अंकल लुंगी में बिना बनियान बिस्तर के बीचों बीच लेटे हुए थे। एक तरफ हेमंत भी जा करके सो गया और एक तरफ मैं जा करके लेट गया। अब क्योंकि मैं शाम को सो चुका था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन हुआ पड़ा था। ऊपर से आज जो कुछ भी हुआ था उन सब से मैं डरा भी हुआ था कि भालू अंकल पापा से बता ना दे। अब मैं सोने की कोशिश करता रहा पर नींद आ ही नहीं रही थी। मैं बस आंख बंद करके लेटा हुआ था और बड़ी मुश्किल से ही मुझे नींद आई थी। और फिर रात को 2 बजे अचानक मेरी आंख खुली, और आंख खुलने की वजह कुछ और नहीं, भालू अंकल थे, क्योंकि मुझे कुछ चुभा था पीछे से। मैंने कुछ भारी भारी से महसूस किया, मेरा पैंट खिसका हुआ था। भालू अंकल मुझे पकड़े हुए हैं और खुद से चिपका रखे हैं। मैं डर गया था क्योंकि नीचे से चुभ रही थी हर एक चीज, और वो मुझे रगड़ रहे थे, उनकी दाढ़ी और मूछें भी चुभ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर मैं बस महसूस किए जा रहा था। दूसरे कोने पर हेमंत सोया था, पर वो काफी दूर था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने भालू अंकल को एहसास नहीं कराया कि मैं जग रहा हूँ। उनकी बॉडी बहुत गर्म हो गई थी और वो धीरे धीरे मुझे मसल रहे थे। मुझे सच कहूँ तो मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था जो कुछ भी वो कर रहे थे, मुझे बुरा फील नहीं हो रहा था। और एक वक्त के बाद ऐसा भी आया जब रफ्तार बढ़ी और उनकी सांसें भी तेज हो गई। वो हाँफ रहे थे, उन्होंने मेरे टांगों पर गर्म गर्म कुछ गिरा दिया, फिर वो चुपके से अपनी लुंगी से मेरे टांगों को साफ किया पोछा। मैं समझ गया कि वही है जो हेमंत ने आज दिखाया था। मुझे आज भालू अंकल के शरीर से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी,
पर उन्होंने मुझे बिना हर्ट किए अपने थकान मिटाकर मुझे साइड में आराम से रख कर सो गए। और तब मैं गर्म हो चुका था। मैं थोड़ी देर तक लेटा रहा और नींद का बहाना बनाते हुए चुपके से उठकर टॉयलेट में गया और मैंने भी मज़े किए और लौट कर आकर सो गया। और उस दिन अगली सुबह मेरे स्कूल थी। मेरे उठने से पहले ही सब कोई उठ चुके थे। मम्मी ने टिफिन वगैरह रेडी कर दिया था। मैंने थोड़ा सा मैगी खाया। अब भालू अंकल ने जो किया रात को वो मुझे अच्छा तो लगा ही था, पर मुझे अब तक नहीं पता था कि ये अच्छा लगना मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। और यही हुआ। मैं स्कूल गया और वहाँ पर बाथरूम में भी मैंने वही सब किया। मुझे मज़ा आ रहा था। मैं खुद को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा था। ये एज ही ऐसी थी कि मुझे ये चीज़ें करने में मज़ा आ रहा था। अब शाम हुई और मुझे रात होने का इंतज़ार था कि कालू अंकल फिर से वही सब करें। पर आज हेमंत ऊपर सोफे पर ही सो गया और मुझे लगा कि वो नीचे आएगा। अब नीचे सिर्फ और मैं भालू अंकल थे और मैं आज सोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं जब सोने गया मैं भालू अंकल के पास खुद ही जा कर के लेट गया। तब तक वो नींद में थे। आज मेरा मन था कि मैं उनको लूंगी में हाथ लगाऊं। मैं धीरे धीरे उनके पास जाता गया। नींद के बहाने अपना हाथ उनके पेट पर रखा। तब तक उनके नाक बजने की आवाज़ भी आ ही रही थी और मैं हाथ खिसकाते हुए नीचे ले गया। मैं डरा हुआ था पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और पहली बार जब मैंने छुआ, उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ लुंगी में थे। और मैंने उनके हिलने डुलने पर भी अपना हाथ नहीं हटाया। और जब उनकी नाक बजनी बंद हो गई थी और वो काफ़ी हार्ड हो गए थे, वो समझ गए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जान गए थे मेरी हरकत। शायद उनकी नींद खुल चुकी थी। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं डर गया। डरने के बाद मैंने हाथ वापस खींच लिया और पलट कर सो गया, यानी सोने का नाटक करने लगा। और फिर यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने अब मुझे पीछे से पकड़ लिया और टेबल में रखे नारियल तेल को निकाला। और फिर आगे जो हुआ दोस्तों हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। खैर, हमें पहले भाग में प्रखर की जिंदगी में जो शुरुआती दिनों में हुआ वो अभी तक जो जान पाए हैं। अब तक काफ़ी नादानी दिखाई है इन्होंने, पर क्या आगे प्रखर अच्छा बुरा सही गलत समझ पाएंगे या फिर यूं ही गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे? जानेंगे सब कुछ लेकिन अगले पार्ट में। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आज के वर्डिक्ट के बारे में आपको क्या कहना है नीचे वो भी बताइएगा। फिलहाल स्टोरी आज के लिए तो इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। नीलय का ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव इज़ लव।